हेलो गाइस, आज मैंने बनाया है धोखा दालना। ये रेसिपी चने की दाल से बनती है और इसे मैंने निरामिष बनाया है। गाइस, बंगाल का ये एक फेमस ट्रेडिशनल डिश है। आप चाहे तो इसे पुलाव के साथ खा सकते हैं या फिर प्लेन राइस या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए भिगोया हुआ चने की दाल, साथ में मैंने मिर्च ऐड कर दिया। अब इसे पेस्ट बना लेंगे। तो आज के इंग्रेडिएंट्स हैं पिसी हुई चने की दाल, चना दाल का पानी, कुछ नारियल के टुकड़े, कुछ अदरक के टुकड़े, हरी मिर्च और टमाटर। तो सब कुछ एक साथ मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे जीरा धनिया पाउडर और इसे पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट बन चुका है। अब कढ़ाई को गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल, साथ में ऐड करेंगे घी। घी ऐड करने से इस रेसिपी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। साथ में ऐड करेंगे हींग। अब ऐड कर देंगे चना दाल का बैटर। तो बैटर को ऐड करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसे मैं धीमी आंच में फ्राई कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवा की तरह ये बन चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सो गाइस, एक दूसरे प्लेट में मैंने घी स्प्रेड कर दिया है और इसमें इस चने की दाल की डो को रख देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इस डो को हम एक बर्फी का शेप देकर काट लेंगे। आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं। गाइस, इस टेस्टी रेसिपी को आप फास्टिंग के दिन भी बना सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल निरामिष बनती है और खाने में भी काफ़ी टेस्ट लगता है। तो ये देखिए मैंने काट लिया है बर्फी शेप में। अब इसे अलग अलग करके एक प्लेट में रख लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी मोटी ही काटनी है। तो इसे अलग करके प्लेट में रखने के बाद हम कर लेंगे फ्राई। तो एक पैन में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है। अब तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे सारे धोखा को। इसे हम सरसों तेल में ही फ्राई करेंगे और इस रेसिपी को सरसों तेल से ही बनाना है। तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसे हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया। आप चाहे तो इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। अब बनाएंगे इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और ये गर्म हो चुका है। इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया, साथ में थोड़ा सा चीनी ऐड किया। चीनी ऐड करने से इसमें अच्छी कलर आती है। अब हींग ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे पेस्ट किया हुआ मसाले को। मसाला को ऐड करने के बाद 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और ऐड कर देंगे हल्दी और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें और इसे 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आए। अब इसे ऑयल रिलीज होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम चना दाल का पानी को ऐड कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। तो इसे मैं फ्राई कर रही हूँ मीडियम हीट में। अब ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ पटेटोज। गाइस, आलू ऐड करने से ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी बन जाता है और इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे नहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे कवर कर देंगे कुछ देर के लिए। ये देखिए आप देख सकते हैं सारा तेल अलग हो चुका है इस मसाले से। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर देंगे।
तो पानी ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे तीखापन के लिए हरी मिर्च। अब ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ धोखा। सारे धोखे को ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर तक बॉईल करेंगे। गार्निश करेंगे इसे हरा धनिया के साथ। गाइस, रेडी हो चुका है। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए।